दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम लोग जो पॉलिटेक्निक की स्टडी कर रहे थे, पॉलिटेक्निक में जो फिजिक्स पेपर को प्रिपेयर कर रहे थे, तो चलिए हमने जो पिछले जो क्वेश्चन कर चुके थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देने पर उसके वेग का देने पर उसके रोकने के सापेक्ष उसकी दूरी कितनी होगी। तो आपको समझना है कि सबसे पहले क्या है, अपने को वस्तु को रोकना है, तो रोकने पर क्या होता है, हमेशा जो उसका अंतिम वेग है वो हमेशा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये याद रखें। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आप लोग खासकर गति के जो तीन फार्मूले हैं उनको जरूर एक बार रिवाइज कर लें। तो अब दूरी भी होना चाहिए उसमें, है ना, ये भी याद रखें। तो देखो फार्मूला है वी स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वी जो है जीरो रखना है, तो इसको तो अपन जीरो रख देंगे। ठीक है, और यू, अब जो जब भी मतलब कोई भी जो वेन वगैरह है वो रुकती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है वो नेगेटिव होता है ना, तो ये कितना हो गया माइनस टू ए एस। तो यानी अपन ये बोल सकते हैं कि टू ए एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है उसका तो कॉन्स्टेंट है ना, रोकने के सापेक्ष दूरी है बताना अपने को यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए। तो अब एस जो है, यदि ए भी कांस्टेंट है और टू भी कांस्टेंट है, तो एस जो है वो जनरली किस पर डिपेंड करता है, यू पर डिपेंड करता है ना। अब वो ये कह रहा है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, इन केस का मतलब एस की जगह आप यू की जगह क्या कर दोगे, आप टू यू कर दोगे, तो टू यू आपने यदि कर दिया तो आप देखोगे टू का स्क्वायर कितना हो जाता है, फोर हो जाता है, मतलब फोर यू स्क्वायर, मतलब पहले के कंपैरिजन में वो कितने टाइम्स हो जाएगा, चार गुना ज़्यादा रेंज हो जाएगी, है ना। यदि आपने स्पीड को एकदम से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसको यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड है सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसको रोकने में सपोज करो आपको 20 मीटर डिस्टेंस लग रही है। ठीक है, उसी त्वरण से, तो यदि आपने यदि इसकी स्पीड को 20 कर दिया, 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो अपने को यहाँ पर अब 80 मीटर तक अपने को ले जाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, यदि वही त्वरण से आपको रोकना है, या तो फिर ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आपको वही ब्रेक अप्लाई करना है तो आपको निश्चित रूप से इससे 4 टाइम ज़्यादा ही रेंज लगेगी, यानी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, एक पिंड जो है समान त्वरण के साथ चल रहा है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन इसका सेम है, तो एक समय पर इसका वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड है ना, मतलब आप तो इनिशियल वेग मान लो कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 5 सेकेंड बाद, यानी टाइमिंग कितनी मान लिया अपन, 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5 सेकेंड बाद इसका वेग कितना हो जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो 2 सेकेंड पहले कितना था, सबसे पहले तो अपन एक्सेलरेशन निकालो ना, त्वरण निकालो, तो त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि 20 - 10 / 5, है ना, 5 सेकेंड में हुआ ये, तो अपने पास एक्सेलरेशन है, त्वरण कितना आ गया, 5 × 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा है अपने से कि 2 सेकेंड पहले इसका वेग क्या था, मतलब अपने को 3 सेकेंड में निकालना, 5 सेकेंड तो टोटल ट्रेवलिंग हुई है, तो अपने को हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी, तो अपने को वेग पूछा है इसमें, ठीक है, तो वेग अपने को निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, ठीक है, ये कितना निकल गया आपका 2। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो टाइमिंग पूछा गया है, तो टाइमिंग कितना पूछा है, -2 सेकेंड, है ना, अपने को पता है कि यहाँ पर, तो अब निकालते हैं अपन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 2 सेकेंड पहले पूछा है ना, -2 सेकेंड अपन बोल देते हैं यहाँ पर, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और अपना सब्ट्रैक्ट करने पर रह जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु विराम अवस्था से चलती है, तो इसका मतलब है कि यू कितना हो गया, जीरो हो गया। अब त्वरण कितना है इसका, त्वरण ए इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। 50 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए चली गई दूरी कितनी है, ठीक है, अब मतलब इसका है फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब अपने को निकालना है इसका सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ यू विल सॉल्व इट, ओके। चली गई दूरी निकालना है, वन थिंग मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप इसके लिए कुछ फॉर्मूले तो याद कर लो,
एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला यूज इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वी डोंट हैव टाइमिंग, तो हमारे पास टाइमिंग नहीं है, तो आप हमें दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा वी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइमिंग नहीं है। तो आपने को पहले पता है कि u की वैल्यू जीरो है, v की वैल्यू तो निकालना है, तो ये जीरो छोड़ दें अपन यहाँ पर, टू इंटू एक्सेलरेशन कितना आपके पास पाँच है, डिस्टेंस सॉरी इसमें 50 मीटर पर सेकंड का वेग है, तो अपने को डिस्टेंस तो निकालना है, ठीक है, और डिस्टेंस और अपने को फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है 50 का स्क्वायर रख दूँ मैं ये वी की जगह, है ना, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ध्यान देना ये एस है, हाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 × 2 यानी कितना हो जाएगा 10, एस बराबर से ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और इसको यदि हम काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी अपनी 250 मीटर, तो दिस इज़ आवर आंसर सी, करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं अपन। एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, अगेन मतलब u अपना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जाता है अधिक से अधिक ऊंचाई पर, वो पूछेगा तो अपने को निकालना है कितनी मैक्सिमम, यदि अपन उसको एक बॉल को यदि 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से यदि ऊपर फेंकते हैं तो अपने को ये पता लगाना है कि ये यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी है 10, अपने को पता लगाना है कि कितना ऊपर जाएगा, राइट, इट इज़ टू सिंपल फ्रेंड्स, आपको मैंने हर बार बताया आप लोग बहुत सिंपल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, ठीक है, अब वी स्क्वायर अपने को एक्चुअल में क्या दिया है, अपने को पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर फेंकते हैं तो वो फाइनल में जाकर जीरो हो जाता है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या रख दें जीरो रख दें, यू तो अपने को गिवन है कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और एक ही जगह हमेशा 10 दिया हुआ है वो भी माइनस दे रहा है क्योंकि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं अपन, ठीक है, अब अपने को तो हाइट निकालना है तो क्या निकलेगा एच इज इक्वल टू 10 × 10 डिवाइड बाय 20, ओके, तो ये एक जीरो से जीरो गया, दो से ये 10 पाँच बार गया, तो कितनी हाइट जाएगा 5 मीटर की हाइट तक ये जाएगा, ठीक है, और चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेशन के बीच एक गाड़ी की गति पहले एक समान रूप से बढ़ती है फिर उसके बाद स्थिर रूप से चलती है, थोड़ा समझिए, एक यहाँ पर सपोज करो एक मैं यहाँ पर एक छोटी सी कार को बना देता हूँ, ठीक है, अब वो क्या होता है कि पहले यहाँ से यहाँ तक चलती है फिर स्पीड पकड़ती है और फिर स्लो हो जाती है, मतलब तीन पॉइंट है ए बी और सी, तो यहाँ पर तो यू इज इक्वल टू जीरो होगा आपको पता है, यहाँ पर वी इज इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि यहाँ रुक गई, यहाँ पर बीच में कांस्टेंट स्पीड से चलती है, तो इसकी जो टाइमिंग है वो 1:6:1 के अनुपात है, मान लो कि यहाँ पर टी समय चला, यहाँ पर 60 समय चला और यहाँ पर फिर अगेन टी समय चला, बराबर बराबर टाइमिंग चली, अब डिस्टेंस आपको मानना है, तो मान लो कि यहाँ पर S1 चला, यहाँ S2 चला, यहाँ पर S3 चला, अब अपन तीन डिस्टेंस कवर कर लेते हैं कितना कितना आता है, ठीक है, तो S1 कितना निकलता है, अपने पास फार्मूला है, मैंने आपको कई बार बताया S बराबर से होता है UT प्लस हाफ ET स्क्वायर, अभी अभी आपको मैंने बताया, लेकिन U तो जीरो है, है ना, तो U जीरो है आपको पता है क्योंकि स्टार्ट में तो चलेगी तब U तो जीरो ही होगा, तो ये क्या निकलेगा अपना हाफ ET टी स्क्वायर क्योंकि यहाँ टी है, अब सेकंड अपन S2 पे बात करते हैं, तो जब S2 पे बात करेंगे तो अब देखो यहाँ पर चाल बराबर से क्या होता है दूरी बटे समय, पता है ना आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम यानी चाल गुणित समय, तो चाल है कितनी अपने को, चाल अपने को कैसे निकालोगे, देखो आप लोग को मैं एक चाल निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ, देखो आप लोग देखो चाल बराबर से फॉर्मूला क्या है, पहले आप त्वरण निकालो, त्वरण बराबर से क्या होता है, या ऐसा करें आप जो फर्स्ट इक्वेशन होता है ना वेलोसिटी का, मतलब इसको मैं किस तरह से लिखता हूँ, वी बराबर से यू प्लस ए टी होता है, अब आप समझे, तो अपना यू तो जीरो हो गया तो वी का मान कितना हो गया ए टी के बराबर नहीं होगा, वी बराबर से जीरो प्लस ए टी, तो वी बराबर से क्या होगा आपका ए टी होगा, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है दूरी बराबर से चाल, चाल तो कितनी अपनी 80, ठीक है, अब समय, समय कितना यहाँ पर 60, सॉरी ओनली टी, तो ये कितना हो जाएगा 6 ए टी स्क्वायर, ठीक है,
अब एस थ्री की बात है, एस थ्री में अगेन वही वैल्यू आ जाएगी जो पहले वाली वैल्यू थी, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, औसत गति पूछा है ना, औसत गति कितनी है। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है, याद रख लो आप लोग, औसत गति एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी है कितनी, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री, कुल समय कितना आपका टी प्लस 60 प्लस टी। ठीक है, एस वन कितना है, अब आप बताओ, हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ ए टी स्क्वायर। एस टू कितना आया, 680 स्क्वायर आया, 680 स्क्वायर आया। फिर एस थ्री कितना आया, हाफ ए टी स्क्वायर आया। अपॉन कितना हो गया, 6 और 2 8 80। सॉल्व करो इसको, आधा और आधा, 1 और 6 7, इन्हें क्या आ गया आपका 780 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हुआ, 880। टी से टी कट गया तो कितना आ गया आपका 7/8 80। और अभी अभी आपको पता है कि 80 बराबर से क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो अपने को दी रखी है कितनी, 32। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7/8 इंटू 32। तो 8 × 32 और 7 × 28 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर हुआ सी। चलिए फ्रेंड्स, रियली इट वाज नाइस क्वेश्चन, डू इट डियर। ठीक है, एक हवाई जहाज जो 75 मीटर पर सेकंड की गति से सीधे चलते हुए 6 सेकंड तक रॉकेट छोड़ता है। तो इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ कि एक जो हमारे पास रॉकेट है, आप समझ जाओ, ये इसकी इनिशियल यानी u इज इक्वल टू कितना है, 75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये 6 सेकंड तक क्या करता है, रॉकेट छोड़ता है। तो रॉकेट छोड़ता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, कंटिन्यूस बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ये कितनी हो जाती है, 120। ठीक है, 120 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद तो कांस्टेंट स्पीड हो जाती है। अभी बोल रहा है कि 10 सेकंड चला, तो ये स्पीड को पाने में तो इसको मात्र टाइमिंग कितनी लगी, 6। तो अभी हम बताओ सबसे पहले त्वरण कितना हुआ, तो a बराबर से माइनस वी अपॉन यू डिवाइड बाय टी, 120 माइनस 75 डिवाइड बाय 6। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो 120 में से 75 गए, तो आई थिंक 45 राइट। तो चलो इसको सॉल्व नहीं करते, रहने दो आप। तो अब 10 सेकंड में कितनी दूरी चला, अपने को ये पता लगाना है। तो पहले अपन तो ये देखते हैं कि फर्स्ट 6 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर किया, तो ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो s बराबर से ut फार्मूला होता है, इसको याद करो फ्रेंड्स, 1/2 AT² ठीक है। तो u कितना था अपने पास, इनिशियल था 75, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 सेकंड चला था, पहले 6 सेकंड के निकाल लो, फिर अगले 4 के निकालें। a कितना आया, 45 डिवाइड बाय 6, और t का मतलब 6 का स्क्वायर यानी 36। तो ये तो कट ही गया 6 बार, 6 से ये भी कट गया कितने बार, 3 बार। अब 75 × 6 ये कितना होगा, 42 हो गया, 6 × 5 = 30 ये, और 42 वो यानी 420, 420 और 35 455, तो यही हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 45 × 3/2 ये भी निकालना आपको है ना, 45 दिया कितना हो गया, आप लोग निकालें। चलिए तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आती है फ्रेंड्स 585। ये किसकी वैल्यू आई, पहले 6 सेकंड की। अब अपन S2 निकालते हैं, S2 मैं थोड़ा सा दूसरे पेन से निकालता हूँ, आपको समझ में आ जाए, नहीं तो ये सब मिक्स हो जाएगा। S2 के लिए S2 बराबर से देखो, अब बाकी 4 सेकंड है, 4 बराबर से पता है ना आपको, वेट इनटू टाइम। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, वेलोसिटी कितनी है आपको पता है, 120 है ना, और कितने सेकंड चला वो, 4 सेकंड चला, तो कितना होगा, 80 है ना, 480 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चला ये, 585 और प्लस कितना, 480। तो यदि अपन जोड़ेंगे तो 16, 5 और 9, 10, मतलब 1065 मीटर आएगा, आपका आंसर आएगा सी वाला। तो फ्रेंड्स चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई प्रॉब्लम्स आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी अपने को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम निकालना है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Thank you.